हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो ये रहे, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं रुका हुआ था हाईवे के बीच में, तो थोड़ा सेटअप वगैरह कर रहा था। तो पहले पहनते ग्लव्स, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। और ये पहन लिए ग्लव्स, अंधेरा हो चुका है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो स्टार्ट द ब्लॉग। ये सोनिक अब कैमरा एंगल एडजस्ट हो गया होगा थोड़ा सा, स्टार्ट करते। मुझे दो तीन दिन से ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, एंड मतलब बारिश की वजह से हो रही है या कुछ और रीज़न है, आई डोंट नो दैट। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से, मतलब ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगा, जब से हैवी रेनफॉल हो रही है बॉम्बे में तब से मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अभी वो पता नहीं क्यों, या फिर हो सकता है गाड़ी मैंने ज़्यादा देर पानी में खड़ी कर दी, बारिश में खड़ी कर दी होगी कुछ। अगर कुछ ऐसा है तो अगर एक्स्ट्रा केयर करनी है तो फिर आपको ये गाड़ी अगर आप लोगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा आपका थोड़ा मतलब कैसा रहता है मालूम है, छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं वैसा संभालना पड़ेगा आपको, ऐसा है। तो बाकी अभी तो फ़िलहाल फाइन अच्छी चल रही है, आपको स्पीड भी दिख रहा होगा क्योंकि अभी रात का टाइम हो रखा है और मैं हूँ मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे, आई एम रिटर्निंग टू माई होम। और अभी मैं पहुंचा हूँ एरोली ब्रिज, एरोली मतलब जोगेश, मतलब इसको अभी बॉम्बे लिंक रोड ही बोलोगे आप लोग भी, क्योंकि अभी तो मैं कहीं पे पहुंचा भी नहीं हूँ अभी, ऐसे इन द सेंस क्या बताऊँ आपको। तो ये है कुछ आज का व्लॉग। एक्चुअली मैंने रोज़ का व्लॉग्स प्रॉमिस किए हैं लेकिन मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है बॉम्बे में कि आप कैमरा लेके अगर आप निकलोगे तो यू कांट रिकॉर्ड व्लॉग्स। पीछे का ओके, आई थिंक सो इसके टेल लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं ये सब क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और बाय द वे थैंक्स टू दैट डूड फॉर टेलिंग मी दैट। तो एनीवेज वो सब बातें छोड़ते हुए ये मुझे एक मेजर प्रॉब्लम लग रही है, जैसे अगर आप कहीं अगर बारिश में फंस गए तो आप वहाँ से आ भी नहीं सकते हो, ऐसी गाड़ी चालू बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि वीडियो बना लूं लेकिन मैं वीडियो बना मतलब मैं बारिश में कैसे क्या बनाऊं मुझे वो खुद नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने नहीं बनाई थी वीडियो। बाकी मैंने होंडा से बात किया, मैंने फ़ोन करके वियान होंडा वाशी सर्विस सेंटर में मैंने बात किया है, उन्होंने मुझे बोला है कि हम आपको अश्योरिटी देते हैं जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप नेक्स्ट सर्विस के लिए जब भी आएंगे तब आपका ठीक हो जाए। और इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई है, अभी मैंने 16,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाई थी ये गाड़ी और अभी ऑलमोस्ट चली है ये गाड़ी 17,633 किलोमीटर और ये मांग रही है सर्विस। अब ये क्या मसला है कोई नहीं जानता। अब मैंने 16,000 में चेंज पॉकेट चेंज कराया था जैसा लास्ट वीडियो मैंने डाला था आपको, और बाकी बस यही कुछ है आज के ब्लॉग का, बातें ऐसी कुछ है। और अभी पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, बाय द वे मैंने वो भी टेक्निक ट्राई किया कि हवा का पैसेज ब्लॉक हो जाता है, पेट्रोल के टैंक में लोग खोल के रख देते हैं और फूंक भी मारते कुछ लोग, मैंने वो टेक्निक भी ट्राई की बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाद में मेरे बगल में एक गैरेज वाले भैया रहते थे तो उन्होंने स्पार्क प्लग खोला, उसको आई थिंक थोड़ा हीटअप किया गैस पर और फिर उन्होंने उसको लगाया, फिर भी नहीं चालू हो रही थी गाड़ी। देन उसके बाद जो स्पार्क प्लग के ऊपर जो हेड कवर लगता है ना जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है, देन ही टुक दैट आउट एंड उसने फिर उसको डायरेक्ट मतलब जो स्पार्क प्लग रहता है उसके सर पे डायरेक्ट वो वायर लगा दिया। और वायर लगाने के बाद उनने बोला कि नहीं सर करंट तो आ रहा है, तो उसने फिर से अच्छे से टाइट करके लगाया कि क्या फूंक मार के लगाया उसने, शायद से उसमें पानी जम गया था या फिर कुछ तो था, अभी पता नहीं क्या था लेकिन उसकी वजह से करंट ब्लॉक हो गया था जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चालू हो रही थी। और ये गाड़ी अगर ऐसी जगह बंद हो जाती, वो तो नसीब मेरा कि मैं वर्कशॉप के बाहर ही बंद हुई थी, अगर ऐसी जगह कहीं पे बंद हो जाती जहाँ से मुझे आने में दिक्कत होती तो एक बड़ा मसला बन सकता था।
बट किस्मत अच्छी थी जो गाड़ी वर्कशॉप के बाहर ही बंद हुई थी, तो मैं अंदर ही था तो मैंने गाड़ी अंदर लेके मैंने गाड़ी चालू करने की पूरी कोशिश की और लेकिन नहीं चालू हुई। फिर बंदे ने आके हेल्प किया थोड़ा और उन्होंने चालू कर दी गाड़ी एटलीस्ट। उन्होंने एक्चुअली वो मैकेनिक भी नहीं थे, वो मेरे बगल में उनका था वर्कशॉप, उनका भी बगल में ही था मेरे, तो उन्होंने एक्चुअली 36 इयर्स वर्क गैरेज में ही काम किया है, वो उनको एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें का। और ये हम लोग पहुँचे अब एरोली, मुलुंड एरोली लिंक रोड के पास पहुँच रहे हैं हम लोग। और सिग्नल खुलने के बाद भी ऐसा जाम, ऐसे हालात हैं यहाँ पे। ये भाई साहब कहाँ जाना चाहते हैं पता नहीं। लेट्स गो, बाकी अपना तो सिग्नल खुला हुआ है 57 सेकंड्स 55 63 62 हो गया और हम आ गए इस पर। पार्किंग लाइट फिर से चालू कर दो ताकि कोई बीच में ना आए। हम लोग लेफ्ट में हमेशा दबा के चालू कर चलाते हैं। मैं ज़्यादा स्पीड बहुत कम भगाता, मैं स्टार्टिंग में भगाता था जब मेरे पास माइक नहीं था तो उसमें आवाज़ तो नहीं आती थी, लेकिन अब माइक है और एक्चुअली अभी मैं फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मेरा कैमरा तो ख़राब हो गया मेरा, इसलिए फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। जल्दी नया कैमरा लूँगा तो उससे फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। आई होप सो अच्छा आ रही होगी, क्लैरिटी अच्छी होगी वीडियो की, क्योंकि ये फ़ोन भी कोई बहुत वैसा वाला फ़ोन नहीं है। इट इज़ अ वेरी हाई एंड फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी S10 से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। और आज मैंने माइक का सेटअप भी दूसरी जगह लगाया है तो पता नहीं वॉइस क्लैरिटी कैसी होगी। अगर थोड़ी इधर उधर होगी तो प्लीज़ आज मैनेज कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं सही कर लूँगा। और बाकी वी हैव रीच्ड एरोली टोल प्लाज़ा। बाकी ये रहे मेरे ग्लव्स, ये RS फ्रूट के थे ग्लव्स, अच्छे ग्लव्स है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया जब से मैंने बाइक ली थी उसके पहले के ग्लव्स है और आज भी एकदम नए नए, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, रेशे वेशे कहीं से नहीं निकल रहे। 2-3 बार आई थिंक सो मैंने धो भी दिया इसको। बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये रहा है एरोली टोल प्लाजा का सीन ऐसा है। बाकी इट इज़ राइट नाउ, इट इज़ व्हाट्स द टाइम, 9:50, इट्स 9:50 राइट नाउ। तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैफिक पुलिस कुछ बोलने वाली, क्योंकि 8 बजे के बाद सब बैठ जाते हैं चुपचाप। चलो भगाया जाए। स्टेबल ये स्पीड पे गाड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है कि गाड़ी जर्क वगैरह मार रही है या फिर हैंडल लपड़ रहा है, कुछ नहीं है। इट्स ओके टिल नाउ, इट्स ओके। और हैंडलिंग तो क्या बात है गाड़ी का। और बाकी यही सब है और अभी देखते हैं अगर स्ट्रेच में भगा पाया तो गाड़ी को, कोशिश तो पूरी है। स्पीड तो देखा नहीं, 100 के आसपास तो पहुंच ही गई थी और 110 तो पहुंच गई थी बड़े आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक और हॉर्नेट जा रही है सामने, आई थिंक सो अपनी वाली एडिशन ही है, लेट्स सी। चलते हैं आगे। ना ना ना, अपनी एडिशन नहीं, अपने पहले 160 है और ऐसा कुछ है। बाकी बताना आज की वीडियो क्लैरिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, अगर अच्छा रहेगा तो इसको मैं परमानेंट बना दूंगा, फिर परमानेंट इसी से व्लॉगिंग की जाएगी। फिर कैमरा वगैरह नहीं खरीदूंगा एक्चुअली, कैमरा का इन्वेस्टमेंट अभी एक्चुअली मेरे पास उतना, मतलब मैं उतना फ्री भी नहीं हूँ एक्चुअली। अभी भी मैं कमाता तो हूँ लेकिन मेरे आधे से ज़्यादा सैलरी, मतलब जो भी पैसे मेरे पास कमाता हूँ मैं उसको या तो फ़ोन ले लेता हूँ या तो कोई गैजेट, मैं गैजेट्स और गाड़ियों के पीछे पागल हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। या तो जैसे कि मैंने जैकेट खरीद लिया, पैंट खरीद लिया, बूट खरीद लिया, अभी
समझिए इसमें बाइक का ईएमआई भी जाता है, ये बाइक का एंड और एक आध दो ईएमआई जाते हैं। तो मेरी सैलरी अगर 50,000-60,000 भी होती है तो भी मुझे परवड़ता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली घर के भी खर्चे रहते हैं एंड एवरीथिंग। तो बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे सपोर्ट कीजिए यार थोड़े थोड़े धीरे, जैसे जैसे हमारे वीडियोस पे लाइक्स और व्यूज़ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ेगी फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी है, मैं अपनी तरफ से गारंटी लेता हूँ। जैसे जैसे अगर व्यूज़ सब्सक्राइबर्स और वगैरह जुड़ते जाएंगे हमारे साथ में वैसे वैसे हम क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, नॉट एन इशू। ओहो अभी यहाँ से थोड़ा आगे मिलते हैं।